राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रहे धन संग्रह पर कांग्रेस आपस में ही बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सांसद दिग्विजय और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चंदे के नाम पर अवैध वसूली रोकने के लिए सीधा राम मंदिर न्याय के खाते में राशि जमा करने के लिए लोगों से अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सचिन यादव ने पार्टी लाइन से अलग हटकर अब घर घर जाकर राम मंदिर के लिए चंदा लेना शुरू कर दिया है। इससे कांग्रेस में आपसी मतभेद साफ नजर आ रहा है, तो वहीं सचिन यादव के नगद धन संग्रह के सवाल पर पीसी शर्मा ने भी चुप्पी साध ली है। पीसी शर्मा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मंदिर निर्माण में सहयोग राशि के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना खाता नंबर जारी किया है। राम भक्त नगद पैसे ना देकर सीधे अकाउंट में अपनी राशि जमा करवाए ताकि चंदे के नाम पर अवैध उगाही को रोका जा सके। मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन स्टैंड यही है कि पैसा सीधा अकाउंट में जाए, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो अकाउंट दे रखे हैं पेटीएम के माध्यम से, डिजिटल ने, डिजिटल इंडिया, डिजिटल बजट, मध्यप्रदेश में भी डिजिटल बजट आने वाला है, तो कृषि के जो अनाज किसानों को बेचना है वो भी ऑनलाइन उनको नंबर लगाना है, तो ये सब चीज़ें हैं जिससे जो जैसे पहला घपला हुआ है 1400 करोड़ रुपए का, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे सीताराम जी निर्मोही अखाड़ा के, उन्होंने आरोप लगाया, उसका जवाब आज तक दिया नहीं विश्व हिंदू परिषद ने। देखिए अयोध्या में जो भगवान श्री राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में हमारे विधानसभा क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर भी अपनी सहभागिता दिखाना चाहते हैं, उनकी ऐसी मनोकामना है, और इसीलिए सभी साथियों ने हमने तय किया है और एक सहभागिता का महाअभियान हमने की आज शुरुआत हमारे कसरावत से करी है।